नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। गया सदर अनुमंडल कार्यालय में बोध गया नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 से वार्ड पार्षद पद के लिए राजू कुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकलते ही समर्थकों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राजू कुमार सिंह ने कहा कि वार्ड संख्या 2 से वार्ड पार्षद पद के लिए आज नामांकन पर्चा दाखिल किया। जनता का पूरा विश्वास है, इस बार काम करने वालों को मौका देगा। चुनाव लड़ रहे नगर परिषद बोध गया, चुनावी मैदान में आप आए हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप उतरे? पब्लिक का जितना समस्या था उसके समाधान के लिए हम आए हैं। पहले भी कोई पहले हम लोग का ग्रामीण भी था, अब शहर में हुआ है, तो उसी आधार पर हम पब्लिक के काम करेंगे। जो भी अभी काम नहीं हुआ है, जो बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे, खड़े उतरेंगे। राजनीति का अनुभव नली गली जन वितरण वृद्धा पेंशन धान जन योजना, ये सब जितना है सब समझे, सरकारी लाभ है, सब हम करेंगे। मुद्दा इस पर क्या लेकर? मुद्दा यही है, जो मेरे यहाँ विकास नहीं हुआ उसको विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। पहले से भी हम 20 वर्षों से जनता के सेवा में रहे हैं और आज भी करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। राजू कुमार सिंह बोध गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।